हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको 12 क्रोम फ्लैग्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके ब्राउजिंग को बहुत अधिक बूस्ट कर देगा। तो वो कैसे वर्क करता है, चलिए देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्रोम फ्लैग? क्रोम फ्लैग एक्चुअली में क्या होता है? क्रोम फ्लैग्स आर द एक्सपेरिमेंटल फीचर दैट आर इन पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट क्रोम एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस। Some are public version of Chrome and some are the developer version of Chrome flag. तो developer version जो है वो सबको नहीं use करना चाहिए और public version जो है वो general browsing के boosting के लिए use होता है। How to access a Chrome flag? अब इसको access करने के लिए आपको address bar में Chrome flag लिखना पड़ेगा और enter करना पड़ेगा या control F क्रोम के एड्रेस बार में करना पड़ेगा, तो ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए ये बता रहे हैं, तो ये इसको करके देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या होता है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्रोम स्लैश फ्लैश। अब ये देखिए फ्लैग आ रहा है, तो फ्लैग आप कर दीजिएगा तो डिफरेंट फ्लैग के बारे में वो बताने लगेगा। अब यहाँ पर फ्लैग के आगे आप देखिए सेटिंग एक्सपेरिमेंटल एनेबल पैरेलल एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लोकल होस्ट एनेबल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग डाउनलोड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लैग सेटिंग अगर हम लोग लेते हैं तो वो सेटिंग के बारे में सारा बताएगा आपको। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या आपका बेनिफिशियल है वो आज हम बता रहे हैं। एडिट पासवर्ड इन सेटिंग, अगर आपकी पासवर्ड हैकिंग लीक हो होने की प्रॉब्लम हुई हो कभी, तो उसको आप यूज़ करके पासवर्ड को बल्क में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्रोम फ्लैग पासवर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिसिंग। ये तो उसके लिए है कि जो आप अपने मिसिंग पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो पासवर्ड है उसको अगर आप भूल गए और बहुत बड़ा है तो उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आया दूसरा, डिसेबल रीडिंग लिस्ट। तो थोड़ा सा पढ़ ले फिर करते हैं हम लोग। डिसेबल रीडिंग लिस्ट क्या करेगा, राइट क्लिक टैब यू कैन एड इट टू रीडिंग लिस्ट रीडिंग लेटर। If you want to disable the reading list, look for the Chrome flag read later and switch in the default mode to disable. अब इसको चलिए करके देखते हैं क्या करता है ये। हम कोई भी पेज जो किसी टैब में बाद में पढ़ना चाहते हैं तो उसको करने के लिए, अब मान लीजिए ये टैब है, इसमें राइट क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ऐड टैब टू रीडिंग लिस्ट आ जाएगा। तो आप इसको अगर ऐड टैब टू रीडिंग लिस्ट करिएगा तो देखिए रीडिंग लिस्ट बन गई। अब ये रीडिंग लिस्ट में आप अपने पेज को ऐड कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया क्रोम फ्लैग सेटिंग। तो यहाँ पर ये आपका, जैसे आप वॉच लेटर डाउनलोड में करते हैं वैसे यहाँ पर ये पेज आप बाद में देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिसेबल रीडिंग लिस्ट जब हो गई तो अब हम लोग चलते हैं डिसेबल सिस्टम नोटिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन दैट क्रोम कैन सेंड टू योर पीसी। सम आर नेटिव एंड विद इन क्रोम एंड विल ओनली अपीयर व्हेन क्रोम इज रनिंग। अदर लिंक टू योर OS and will appear within OS UI. UI मतलब user interface में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये system notification को हम enable करेंगे। तो जब हम Chrome में लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये आएगा, इसको आप जब करिएगा तो system notification आपका on हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग पहुँचा नहीं वो वहाँ पे तो साइट नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं सिस्टम
enable system नोटिफिकेशन, जब हम देंगे और उसमें मिल जाएगा तो enable flag setting enable system ये आया, chrome enable system। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है, उसको पूरा पढ़िए और प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाइए और नोटिफिकेशन को अनेबल कर दीजिए। और लेकिन सारे आप जो हम बता रहे हैं उसको यूज़ तभी करिएगा जब आप बहुत श्योर होइएगा कि हम उसको डिसेबल भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन आता है अनेबल और डिसेबल का। तो आप डिसेबल भी कर पाइए तभी उसको यूज़ करिएगा, क्योंकि फिर आपको वो प्रॉब्लम भी कर सकता है कि आपको कभी नोटिफिकेशन आए ही ना। आया क्वाइट परमिशन चिप, द परमिशन नोटिफिकेशन इन ब्राउजर इज सुपर इम्पॉर्टेंट आस्किंग यू वेदर यू आर हैप्पी फॉर गिवन साइट टू हैव एक्सेस टू योर लोकेशन माइक्रोफोन व्हाटएवर एल्स। आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो आप श्योर रहिए कि आप अपनी लोकेशन माइक्रोफोन ये सबकी लोकेशन आप और की परमिशन आप देना चाहते हैं कि नहीं। अगर देना चाहते हैं तभी करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। और इसमें enable quiet permission chip जब आप दे दीजिएगा, but the notification in Chrome has always been bit ugly and intrusive। लेकिन आपको बार बार notification आता रहता है तो irritating रहता है, आप कर काम नहीं कर पाते हैं। तो इसको enable और disable करने के लिए आप इसको use कर सकते हैं। Next है force dark mode, जो हम लोग generally YouTube में use करते हैं कि हम लोग डार्क मोड में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्रोम में फिर लिखेंगे डार्क मोड अनेबल डार्क मोड। तो इसको करके देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डार्क मोड है, अनेबल डार्क मोड, देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो डार्क मोड ये ऑलरेडी है, इसको डिसेबल करना है तो आप कर सकते हैं, ऑलरेडी अनेबल है ये। ये देखिए गूगल भी सपोर्ट कर रहा डार्क मोड डार्क थीम, कैसे आप करिएगा अनेबल सेटिंग, थीम में जाइएगा सिस्टम डिफॉल्ट ले लीजिएगा और वहीं पे आपको अनेबल और डिसेबल मिलेगा, जिसमें आप अपने सिस्टम को डार्क मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब आया रीडर मोड, रीडर मोड व्हाइल माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑन क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर नाउ इंक्लूड्स अ रीडर मोड क्लिकेबल फ्रॉम द URL bar. Google Chrome is yet to have it as a default feature. However, a quick tweak in Chrome flag and you can add an immersive reader mode to your Omnibox. अब आप ये reader mode कैसे set करिएगा? इसको check करते हैं। जिस भी URL पे आप set करिएगा, उसपे reader mode आ जाएगा। अब URL हमारा यही सेट है गूगल क्रोम, मान लीजिए हम कोई और खोलें यहाँ पर amazon.com है ना, और इसके आगे लगाएं URL, तो ऑलरेडी हो गया क्रोम में रीडर मोड में खोले, तो ये देखिए आपका ये आ गया अनेबल रीडर मोड। तो अमेज़ॉन को रीडर मोड में खोल देगा, वो पिक्चर वाले मोड में नहीं खोला उसने। अगर आप इसको नहीं यूज़ करिएगा तब आपका क्या करेगा, तब वो करेगा amazon.com, तब आपका देखिएगा पिक्चर मोड में आएगा। तो रीडर मोड में करने के लिए उसको अनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए आपकी रीडिंग लिस्ट बन गई है यहाँ पर, ये क्रोम वाला हमने जो बनाया। अब नेक्स्ट चलते हैं, रीडर मोड आपको समझ में आ गया होगा। अब आया GPU रास्टरिंग, ये हर कंप्यूटर पर नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रास्टरिंग हो जाती है, रास्टरिंग मतलब है रास्टरिंग इज द प्रोसेस क्रोम यूज टू ऑर्गेनाइज अ वेबसाइट डेटा इनटू पिक्सल एंड टेंजिबल इंफॉर्मेशन। पिक्सल मीन्स एक डॉट जो कंप्यूटर की होती है वो पिक्सल कहलाती है, तो उसको ज़्यादा पिक्सल के फॉर्म में वो रेस्टर करके
एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पेज को टाइल फॉर्म में लगा देता है। तो ये देखते हैं कि हमारे इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको GPU रेस्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये GPU होगा मेरे में तो आपके इसमें चल जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, हुआ नहीं कॉपी। अब मेरे में देखिए है नहीं, ये दिख नहीं रहा है, प्रोजेक्ट दिखाने लग गए। प्रोजेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, उसमें आपका पेज जो हुआ टाइल फॉर्म में आने लग जाएगा, ढेर सारे पेज आपके जो आपको पसंद है वो सारे आने लग जाएंगे। तो हमारे में वो हार्डवेयर नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, इसको यूज़ करके जिसको एडवांस प्रोसेसिंग जो लोग करते हैं उनके लिए ये है, फिर ज़ीरो कॉपी रेस्टराइजेशन, ये भी शायद ना हो। देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू विथ रेस्टराइजेशन थ्रू क्रोम फ्लैग, बट वन ऑफ द बेस्ट ज़ीरो कॉपी रेस्टराइजेशन, वेयर राइटर रेस्टर स्ट्रीम स्ट्रेट टू योर GPU मेमोरी विथ विच कैन वर्क फास्टर यूजिंग योर रेगुलर रैम। आप जनरली रैम यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय वर्चुअल रैम जो होगी वो यूज़ होगी। इफ़ यू हैव अ 4GB और लेस रैम और इन योर PC, देन GPU विल वर्क बेटर देन रैम। उसमें VRAM यूज़ हो जाएगी और आपको ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा जिससे आपका फास्टर काम होगा। क्रोम डुएट एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। इसमें होता क्या है, डुएट इंटरफेस फॉर फ्यू ईयर नाउ विच प्लेस मोस्ट ऑफ द ऑप्शन, आपके जितने ऑप्शन ऊपर दिखते हैं टैब सर्च होम ये सारे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में नीचे दिखने लगते हैं। तो अब ये फ़ोन का है तो इसमें दिखाना मुश्किल है, फ़ोन के लिए ज़्यादा फैसिलिटी है। लेकिन हम इसको करके देखते हैं कि कंप्यूटर में भी होता है क्या। तो यहाँ पे इनकी दिखना चाहिए था ये सारी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, तो ये यहाँ पे इसमें नहीं दिख रही है। तो उसने बताया कि आपका फ़ोन में नीचे दिखेगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इसको अनेबल डिसेबल किया जा सकता है। अनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो आपका बड़ी फाइल होती है वो छोटे पोर्शन में डिवाइड हो जाती है और ज़्यादा फास्ट से आपका प्रोसेसिंग होती है और ज़्यादा फास्ट डाउनलोडिंग होती है। तो डाउनलोड इनटू 3 separate jobs स्पेंडिंग अप द होल प्रोसेस, तो आपकी एक बड़ी फाइल 3 separate file में प्रोसेस होकर डाउनलोड हो जाती है और फास्ट डाउनलोडिंग होती है। तो जिसको डाउनलोड करना उसका URL देकर यहाँ पर अनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग कर देंगे तो वो चीज़ जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि डाउनलोडिंग में टाइम लगता है तो इसको नहीं दिखा सकते। इसको क्रोम में जा करके आपको सब चीज़ जो भी URL होगा उसके आगे लिखना पड़ेगा। अनेबल स्मूथ स्क्रॉलिंग, अब आपकी जो ब्राउज़र में स्क्रॉलिंग होती है अब उसको स्मूथ करने के लिए आपको फ्लैग स्मूथ स्क्रॉलिंग लिखना पड़ेगा। तो आप उसमें वहाँ पे माउस और एरो की को यूज़ कर पाइएगा और लिटिल स्टटरिंग इन एनिमेशन, एनिमेशन में भी आप इसको यूज़ कर पाइएगा जिससे कि आपका ज़्यादा अच्छे से प्रोसेसिंग हो। अनेबल एक्सपेरिमेंटल QIC प्रोटोकॉल, ये अभी नया है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। और इसको इसमें TCP और UDP दो प्रोटोकॉल जैसे मिलके काम करते हैं वैसा ये काम करता है, और जिसकी वजह से ब्राउज़र क्विक वर्क करता है। और इसीलिए इसको डेवलपर यूज़ करते हैं जिनको ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो QUIC मत यूज़ करिएगा, ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बना हुआ है। तो ये सारे फ्लैग्स तभी यूज़ करिएगा जब बहुत ज़रूरत हो, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम भी कर सकते हैं अगर आप भूल गए इनको डिसेबल करने को। हाउ डू आई गिव क्रोम मोर रैम, अब क्रोम को ज़्यादा रैम देने के लिए क्या करना पड़ेगा।
Give Chrome more system memory. Changing the little known Chrome setting can speed it up by giving it more of your system memory. First, type into the address bar Chrome flag max. अब करके इसको देखते हैं कि हमारे में क्या होता है. कंट्रोल सी, कह रहा एड्रेस बार में लिखिए, तो हम वहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट एरिया, मैक्सिमम टाइल फॉर इंटरेस्ट एरिया. तो हम लोग ने कोई एरिया भी खोला ही नहीं है ना, तो कोई एक खोल लेते हैं. देखिए एक्सपेरिमेंट लिख के आ गया इसमें, तो इसको समझ के ही खोलिएगा. मान लीजिए हमने facebook.com खोला और यहाँ पर YouTube खोल लिया. मेरी तो वैसे ही स्पीड बहुत कम है कंप्यूटर की. तो ये फास्ट खुलेगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कंप्यूटर बहुत पुराना है. तो आप इसको यूज़ करके देखिएगा आपके कंप्यूटर में क्या करता है. ये कह रहा है देन चेंज द डिफ़ॉल्ट टू 512. अब हम लोग ने डाला तो है, लेकिन इसमें करके देखिए डिफ़ॉल्ट तो कहीं कुछ आ नहीं रहा इसमें. तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इसके अलावा भी बहुत से ऐसी सेटिंग है जो आप कर सकते हैं फ्लैग के थ्रू, जिसमें है कॉपी लिंक टू टेक्स्ट. अब लिंक को टेक्स्ट में आप कॉपी कर सकते हैं, ऑटो फिल फॉर्म कर सकते हैं, यूपीआई में ऑटो फिल कर सकते हैं, हैवी एड इंटरवेंशन को ख़त्म कर सकते हैं, और पुल टू रिफ्रेश गेस्चर कर सकते हैं. तो फ्लैग्स अनलिमिटेड हैं, आपको डिपेंड करता है कि क्या यूज में है उसी को यूज़ करिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये आपके सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं. तो बैक फॉरवर्ड कैश करें, डिसेबल साइट आइसोलेशन करें, ये कोई साइट आप नहीं देखना चाहते तो उसको डिसेबल कर दीजिए. इस तरह से हम फ्लैग को यूज़ करके अपने प्रोसेसिंग को अच्छा कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं ब्राउजर को. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर. फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक. ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन. थैंक यू.